यूपी के सीतापुर में आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन शहर के मुंशीगंज स्थित मेला मैदान पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम से छूटने के बाद NH-24 पर भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई। आधे घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा। आम जनमानस काफी परेशान दिखाई दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। आगे लोगों को जानकारी तो कर लेनी चाहिए भाई। जैसे कि आपने अभी बताया कि आजम खान जेल में बंद है, सीतापुर जेल में। यस सर, आप जेल में मिलने जाएंगे आजम खान? देखिए, मेरी बहुत इच्छा थी जेल में मिलने जाने की, लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन उसकी कोई परमिशन नहीं दे रहा, और अगर ज़्यादा जल्दबाजी होगी तो ऐसा ना हो कि अभी आजम साहब यहाँ है, थोड़ी देर में किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जानते हैं, ये बदलाव के लिए काम नहीं करती, बदले के लिए काम करती है। कांग्रेस ने ये बात की तो आगे क्या मिशन है और क्या? देखिए, आजाद समाज पार्टी भविष्य में क्या करेगी ताकत आने के बाद, ये मैंने आप सब लोगों को बता दिया। और आजाद समाज पार्टी अभी हर उस गरीब कमजोर जाति से ऊपर उठ के हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जिसके साथ अन्याय हो रहा है या जिसकी भी कोई समस्या है। आजाद समाज पार्टी क्या गठबंधन से लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? ये आजाद समाज पार्टी के फैसले, इसका फैसला उसकी लीडरशिप लेगी। मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, ये पार्टी का फैसला। और आप सीतापुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने संदेश दे दिया सीतापुर वासियों को। कांग्रेस के जो है राम मंदिर निमंत्रण को अविष्कार कर दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? और जो कि अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया निमंत्रण, वो जाएंगे राम मंदिर। ये तो उनके फैसले हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ भाई? आप कहाँ जाओगे थोड़ी देर में, ये मेरा फैसला थोड़ा, ये तो स्वतंत्रता है, संविधान है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र। बैठक चल रही है लगातार, सीटों बंटवारे को लेकर अभी तक हो नहीं पाए। तो भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जो लोग गठबंधन में बैठे वही बता सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को, पत्रकारों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। पत्रकार कोई सच्ची न्यूज दिखाता तो उस पर झूठा मुकदमा कर देते हैं, उसके पीटते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी हम एक जो कानून अब है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे मजबूत एक कानून लाएंगे और हम प्रयास करेंगे पत्रकारों को भी सैलरी दी जाए। सर, जो बहुत मीडिया है उसके बारे में सब क्या कहना है, लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? तो प्रताड़ित होने डरो मत, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। सर, सर एक एक क्वेश्चन लास्ट, अरे रितु सिंह जो बैठी हुई है यहाँ पर, डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद किस जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा रखी हुई थी? मेरी जानकारी में नहीं है, कोई ऐसा करेगा उसका इलाज कर देगा।